बस ये साइड पक गई है और ये भी पकने वाली है अभी, इसको मैं उतारने लगी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ गुल अली एक नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार का, आपने मुझे इतना प्यार दिया, मेरी वीडियो देखी, लाइक की, कमेंट्स किया, बहुत अच्छा लगा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी प्यार की वजह से जो है वो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमने मंगवाए थे नान, तो ये हमारे पास पड़े हुए हैं नान जो हमने मंगवाए थे, तो बच गए हैं। इसका हम आज बनाने लगे हैं फ्राई नान। तो मैंने कहा इसको ये इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए तो बेहतर है कि हम इसका कुछ बना लें। तो हम इसका फ्राई नान बनाने लगे हैं और उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए चलिए मैं आपको बताती हूँ। फ्राई नान के लिए आपको क्या क्या चाहिए, प्याज चाहिए, मैंने हाफ प्याज लिया है और आधा ही मैंने ये आलू लिए हैं, सब्ज़ मिर्च लिए है एक, मसालों में हाफ़ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ली है, ज़ीरा लिया है हाफ़ टी स्पून और ये देही मिर्च ली है, कश्मीरी मिर्च भी इसको कहते हैं, ये भी लिया हाफ़ टी स्पून, नमक जो है हसबी ज़रूरत है कुटा हुआ, आपने धनिया लेना है सूखा धनिया वो, और 3 चम्मच मैंने जो हैं वो बेसन के लिए हैं। अब इनको मिक्स करेंगे हम, अभी हम इसको मिक्स करेंगे, डालेंगे ये चीज़ें, सारे मसाले जाएंगे इसमें। अमेज़ा आपने ज़रा थोड़ा थिक बनाना है क्योंकि नान पे लगना है, तो इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, नमक आप चेक कर लीजिएगा बिल्कुल थोड़ा सा, आपने अमेज़ा बहुत थिक बनाना है। धनिया इस टाइम मेरे पास नहीं है, आपने इसमें धनिया भी ऐड कर सकते हो, चाहे तो सूखी मेथी भी ऐड कर सकते हो इसमें हल्की सी, वो मैं ऐड करूँगी अभी इसमें, हाफ़ टी स्पून मैं सूखी मेथी जो है ना इसमें ऐड करूँगी। इसमें जाएगी जी थोड़ी सी सूखी मेथी, क्योंकि हमारे पास धनिया नहीं है तो मैं सूखी मेथी यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इतना ही थिक आपने रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना ताकि नान पे चिपक जाए ये। अभी इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट हो गए हैं हमारे अमेज़े को, अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। हाथ के साथ आपने लगाना है इसको, क्यों करके अच्छी तरह मिक्स कर लें हाथ से इसको। दूसरी साइड पे मैंने जो है वो ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल लाइट आपने ऑयल वो रखना है 5, क्योंकि इसका थोड़ा सा ये सुराख है इसमें, तो इसमें जो ये मैंने एक ही नान का बनाया था, ये मैंने पहले भी बनाया हुआ है, बहुत यम्मी बनता है। आप जो है इसको यूँ लगा दें, इतना ही थिक बनाना है आपको ताकि ये जो है ये चिपक जाए। इसके किनारों को भी लगा दें इसको या। अभी मैं इसको फ्राई में डालूंगी, इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ नान, बड़े आराम से आपने उठाना है इसको यूँ करके और यूँ यूँ घुमाना है, क्योंकि इसमें डाला हुआ मैंने आँच, अब थोड़ा सा तेज़ कर लो, मैंने बहुत लाइट आँच रखा हुआ है, आपने पहले चेक कर लेना ऑयल हुआ है कि नहीं। ज़्यादा नहीं आपने हलाना ताकि वो मसाला उसके साथ चिपका रहे, नहीं तो वो उतर जाएगा। एक साइड आपने पहले अच्छी तरह पकानी है इसकी, एक साइड क्योंकि अभी पकी नहीं है, मैंने इसको चेक किया है इसके साथ, ये देखें अब ये साइड अच्छी तरह पक ले तो फिर आपने इसको चेंज करना है। अभी हम इसकी साइड चेंज करने लगी हूँ मैं। वाह देखिए माशाल्लाह कितना मज़े का तैयार हुआ है। अभी ये दोबारा पलटूंगी ताकि इसका कलर अच्छा आ जाए।
कर साइड चेंज करेंगे। वाओ माशाल्लाह, देखिए आप बहुत मज़े का बना है हमारा फ्राई नान। बस ये साइड पक गई है और ये भी पकने वाली है, अभी इसको मैं उतारने लगी हूँ। ले जी, रेडी है हमारा फ्राई नान, इसको तला नान भी कहते हैं, फ्राई भी कहते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइए कि ट्राई करके आपको कैसा लगा। बचे हुए नान का आप कुछ भी बना सकते हो, फ्राई नान भी बना सकते हो, और फेंकने से बेहतर है बंदा उसको जूस में कर दे। सऊदी अरब में मिलता नहीं है फ्राई नान, तो मैंने कहा चलो घर में ट्राई करते हैं। तो अब इजाज़त चाहती हूँ, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।